हेलो डी स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं, समझने वाले भी हैं। एक्सरसाइज 7.1 से पहले जो कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे हैं, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, ये उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 7.1 के कंप्लीट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेंट इफ। कब दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट होती है? जब दोनों की सेम लेंथ होती है। इसके अलावा अगर दो लाइन सेगमेंट सेम होगी कब? जब देन दोनों की दोनों कॉन्ग्रेंट होती हैं। या फिर आप कह सकते हो कि दो लाइन सेगमेंट जो दी हुई हैं वो कॉन्ग्रेंट कब होगी? जब वो उनकी लेंथ सेम होती है। इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। अमंग टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स वन इज मेजर 70 डिग्री एंड अदर इज व्हाट? दूसरा भी 70 ही होना चाहिए तो ही हम कह सकते हैं। एज इन दिस केस लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंसी ऑफ द एंगल्स इंटायर डिपेंडली ऑन द इक्वालिटी ऑफ देयर मेजर्स, राइट? सो इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन द एंगल्स आर इक्वल। तो दोनों क्या होना चाहिए? 70 डिग्री होने चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर ए और बी बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों ही जो एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो मेजरमेंट है वो कॉन्ग्रेंट है और एंगल्स भी क्या हैं? सेम ही हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दो रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको बताना है सेट में, जो कि क्या है? कॉन्ग्रेंट है। चाहे नोट ले लीजिए, सेम जो पोस्टेज की स्टाम्प्स होते हैं वो होता है, या फिर आप कह सकते हो जो कार्ड्स होते हैं कार्ड डेक वाले वो सेम होते हैं, सेम साइज के होते हैं, या फिर जो नोट होती हैं 2000 रुपीज़ की आप कह सकते हो। इस तरीके से आप देख रहे हो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में कॉन्ग्रेंट शेप में आप देख पाओगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एफ ई डी में जो करस्पॉन्डेंस दिया हुआ है, उसमें जितने भी करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स हैं वो ट्राइंगल्स के वो क्या हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, सारे कॉन्ग्रेंट पार्ट्स हमें लिखने हैं। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। तो कॉन्ग्रेंट एंगल्स क्या होंगे? मैंने आपको कॉन्सेप्ट के भी लेक्चर में बताया, ए का एफ होगा कॉन्ग्रेंट, बी का ई और सी का डी। अगर आप इनके साइड्स की बात करेंगे तो ए बी ई एफ होगा, ए सी एफ डी के होगा और बी सी ई डी के होगा, राइट? इस तरीके से चीज़ों को हम इजिली ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं और ये चीज़ें हैं भी बहुत आसान। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? हमेशा इक्वल होती हैं, जैसे ए बी के एफ ई होगा, बी सी का ई डी होगा, सी ए का डी एफ होगा। इस तरीके से चीज़ों को आप इजिली समझ भी सकते हो। दिया हुआ यहाँ पे कि जो डी ई एफ है वो कॉन्ग्रेंस है बी सी ए के, तो हमें जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या है? करस्पॉन्डेंट है किसके? एंगल ई के, एंगल ई एफ के, एंगल एफ के और एंगल डी एफ के, राइट? तो यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया जा रहा है वो ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी सी ए के। सो आप कह सकते हो कि जो एंगल ई है वो करस्पॉन्डेंस है किसके? एंगल सी के। और जो ई एफ है वो करस्पॉन्डेंस है एंगल सी ए के। जो एंगल एफ है वो करस्पॉन्डेंस है एंगल ए के। सो जो डी एफ है वो किसके करस्पॉन्डेंस है? बी ए के। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को, उम्मीद करता हूँ कि चाहे वो करस्पॉन्डेंस की बात हो, चाहे वो बात हो सिमिलैरिटीज़ के, एंगल्स के बारे में बात हो, साइड के बारे में बात हो, वो सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरीके से समझी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये जो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे अपने डाउट सेशन को पूछ सकते हो, हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।